you. अच्छा चले यार स्टार्ट करते हैं. आई एम श्योर आप सब लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा यार इस वेबिनार के. आई डोंट नो अभी तक कितने पार्ट्स होंगे, आगे कितने पार्ट्स होंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं वन बाय वन सारी चीज़ों को करूंगा. मैं एक ही चीज़ के अंदर सारी चीज़ों को नहीं थोपूंगा या मतलब समझाने की कोशिश नहीं करूंगा. मेरी कोशिश होगी कि मैं वन बाय वन अभी मैं इस बारे में बताता हूँ, थोड़ी सी आउटलाइन देना, मैं इस सारी सीरीज की आगे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि मेरा क्या प्लान है इसको सारे को कवर करने का. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट जो हमारी अभी लिंक बिल्डिंग वाली सीरीज थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई है. वो मैं वन बाय वन उसकी एपिसोड जो है वो करता रहूँगा, मजीद आगे कंटिन्यू करता रहूँगा उसकी भी और इसकी भी. मैं इस तरह से अपने ये सारे चैप्टर्स खोल रहा हूँ जिन चैप्टर्स को मैं वन बाय वन फिर जो है हम इसको स्विच करते रहेंगे कि कभी हमने इसके ऊपर कर लिया, कभी इसके ऊपर, या कोई और सीरीज़ में दरमियान में शुरू करता हूँ तो फिर मैं उसके ऊपर कर लूँगा. मतलब इस तरह से हम इसको मिक्स करके करते रहेंगे. नदीम भाई आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, इसका मतलब है योर कनेक्शन इज वीक. ठीक है, नहीं लिंक बिल्डिंग ख़त्म नहीं हुआ अभी, लिंक बिल्डिंग चलता रहेगा उसकी. मैं उसकी भी इसी तरह से हम जो है वो मजीद पार्ट्स करते रहेंगे उसके कंटिन्यू. लिंक बिल्डिंग मेरा ख्याल है शायद कभी भी ख़त्म ना हो, उसके प्रोसेस जो है वो चलते ही रहेंगे. नहीं वीक वीक बाद नहीं हुआ करेगा, ये थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया कि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था इस वजह से नहीं कर सका वेबिनार. नहीं तो मेरा ख्याल है हर तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद मैं वेबिनार प्लान करता रहूँगा. बस मेरी तबीयत सही रहे, अल्लाह हिम्मत दे, मैं करता रहूँगा. ठीक है, तो वीक वीक बाद नहीं होगा, वीक का पीरियड नहीं होगा. अच्छा यार चलो स्टार्ट करते हैं. आई विल नॉट लुक इट लुक हेयर नाउ. ठीक है, तो कोशिश करें कि इसकी तरफ इस जो पहला टॉपिक है, जो पहला पार्ट है, इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि अगर इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो अगले जितने भी पार्ट्स आने हैं इसके, इस सीरीज के, वो समझ नहीं आएंगे, मज़ा नहीं आएगा आपको. सही है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने इसी में बतानी है. जो अगले होंगे उनके अंदर मैंने ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखानी है, मतलब उनको जो है वो लाइव इम्प्लीमेंट करके दिखाना है. इम्प्लीमेंट मैं खैर इसमें भी करूँगा, लाइव मैं इसमें भी करके दिखाऊंगा, लेकिन जो जो सारा थ्योरेटिकल, मेरी नज़र में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो थ्योरी होती है. ठीक है, अगर आप थ्योरी नहीं समझ सकते, थ्योरी को फॉलो नहीं कर सकते, तो आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते इन माई व्यू. ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी मैं इस सारे की पहले थ्योरी एक्सप्लेन कर दूँ कि इसका पर्पस क्या है and what are the benefits doing this practice and how people are doing it. Are you with my PBN question, PBN comment, and now you are teaching it. लोनली स्टार, अगर आपने किसी ऐसी जगह पे कमेंट किया होगा जो इससे रिलेटेड नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैंने उसको इग्नोर किया होगा. आई डोंट नो क्या आपने कहाँ पे कमेंट किया है, उधर ग्रुप में कमेंट किया था या इधर चैट के अंदर किया था, बट जहाँ पे भी किया था अगर वो इस टॉपिक उस बारे में नहीं होगा या मैं उस चीज़ को एक कमेंट के अंदर नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसलिए मैंने शायद उसको इग्नोर कर दिया. ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, स्पेशली इन माई केस, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो मे बी मेरा इसका प्लान होगा कि मैंने शायद इसको थॉरली आगे सारा क्लियर करना है. लोनली स्टार जरा मुझे बताएं तो सही, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो कि कहाँ पे आपने कमेंट किया था. आई डोंट इग्नोर नॉर्मली एनीवन्स कमेंट. ठीक है, अब मैं सिर्फ उसको छोड़ इस वजह से देता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको करें. ओके, अगर आपने कमेंट ग्रुप में किया होगा तो उसकी ज़्यादा प्रॉबेबली ज़्यादा यही होगी कि मैंने उसको शायद मैंने इस वजह से जो है वो छोड़ा होगा कि मैं उसको एक कमेंट के अंदर शायद एलैबोरेट नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता. दिस वुड बी अ रीज़न, बट इग्नोर करना इज़ नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड. आई थिंक आई ट्राई नेवर टू इग्नोर एनीवनस मैसेज. वालेकुम सलाम मुगल साहब. अच्छा यार यहाँ पे कमेंट कोई ना करे, लेट मी स्टार्ट इट ताकि मैं इसको प्रॉपरली, आज मेरी कोशिश भी है ताकि मैं इसको थोड़ा जल्दी कर दूँ, वाइंड अप कर दूँ, काम की बात ज़रा ज़्यादा करें. सो ऑलरेडी 15 मिनट जो है वो हो चुके हैं, 15 मिनट नहीं आई थिंक 10 मिनट हो चुके हैं. सो लेट मी स्टार्ट.
मैं कमेंट्स की तरफ अब नहीं इस चैट की तरफ नहीं देखूंगा, सो प्लीज अवॉइड इट। अच्छा यार देखो, हम सब ने तकरीबन ना एक टर्म सुनी हुई, एक्सपायर्ड डोमेन्स बहुत सुना होगा आपने, किसी ने किसी सिनेरियो में सुना होगा, किसी ने किसी सिनेरियो में सुना होगा, बट सबका जो एक मेन पर्पज है, इट इज अबाउट कि हमने अपनी जो SEO की जो एफर्ट्स हैं या उसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको कैसे एक्सेलरेट करना है या उसको कैसे थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। इस सारी प्रैक्टिस का पर्पज़ ये होता है, ठीक है, कि आप एक्सपायर्ड डोमेन्स का किस किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो कौन सी इफेक्टिव वेज हैं जिसको आप जिसका आप बेनिफिट ले के आपकी जो मनी साइट है या आपकी जो कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा SEO बेनिफिट या SEO जूस आप कह लें या SEO परफॉर्मेंस कह लें, कि आप अपनी मनी साइट की कैसे मेंटेन कर कैसे जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो आज का होगा इसके अंदर मैं आपको उन सारी चीज़ों का एक हल्का फुल्का जो है वो टच दूं और एक किसी एक चीज़ को एलैबोरेट करके भी दिखा दूं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की तरफ आऊँगा कि हम एक्सपायर्ड डोमेन्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं और किन किन वेज में करते हैं, वो कौन कौन से वेज हैं या वो कौन कौन से मेथड्स हैं। आई एम श्योर इनमें से काफ़ी मेथड्स के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी मेथड के बारे में नहीं सुना होगा कि वो कौन सी वेज हैं या वो कौन से मेथड हैं जिनसे एक्सपायर्ड डोमेन्स के थ्रू हम अपनी मनी साइट को या हम अपनी SEO की जो हमारी कैंपेन होती है ओवरऑल उसको हम कैसे बूस्ट करते हैं या उसको कैसे बेनिफिट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में सबको पता होगा वो है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, सही है, जिसको PBN बोलते हैं। ये कोई आज की नई बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है। 2013 में भी लोग इसको किया करते थे, 14 में भी करते थे, 15, 16, 17, ठीक है, इन सब में जो है वो किया करते थे। तो इसका सारा जो है वो जो पर्पज़ है इस सारी PBN नेटवर्क्स का, ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो है भी यही, एक्सपायर्ड डोमेन्स को अगर किसी वे में इस्तेमाल करने का जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ PBN है, ठीक है। ऑल दो इसमें एक दो और ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको डर की वजह से यूज़ नहीं करते, कुछ लोग उसके रिस्की होने की वजह से यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल PBN भी एक ऐसी रिस्की चीज़ है जिसको लोग इसके रिस्की होने की वजह से शायद इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द रिस्कीस्ट मेथड, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये पावरफुल भी है, उसके साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर आपकी जो आपका कंट्रोल होता है वो आपके अपने हाथ में होता है, डोमेन आपके अपने हाथ में होता है, कंटेंट आपके अपने हाथ में होता है, ठीक है, और उसके मैट्रिक्स आपके अपने हाथ में होते हैं, उसकी क्वालिटी आपके अपने हाथ में होती है, आप चाहें तो उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट है वो आप अपनी मनी साइड पर जो है वो ले सकते हैं। यार एक रिक्वेस्ट मैंने करनी है सबसे कि प्लीज़ कोशिश करें कि अपना ये ना वीडियो ना ऑन करें, ठीक है, इससे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है। इफ़ यू वांट मी टू बैन यू, इफ़ यू वांट मी टू रिमूव यू फ्रॉम वेबिनार, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डू दैट, यू कैन ट्राई दैट, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं किसी को ना निकालूँ, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर रहें, ठीक है, और इसको ख़त्म होने दें प्रॉपरली, बट अगर कोई चाहता है तो ट्राई मी एंड आई विल रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं दूसरा, इसका क्या मेथड है कि एक्सपायर्ड डोमेन्स को हम क्या कहते हैं। बहुत कम लोगों ने शायद ये चीज़ सुनी हो या शायद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की हुई हो, बट मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी एक केस स्टडी इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से शेयर भी करूँ, ठीक है। हो सकता है इसी वेबिनार की सीरीज़ में, नहीं तो मैं शायद इसकी एक और वीडियो सीरीज़ बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ इसी की केस स्टडी शुरू करूं। वो मेथड है कि आप एक्सपायर्ड डोमेन्स को एक अथॉरिटी साइट के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, निच साइट के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे मेरी नज़र में अगर आप PBN को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ठीक है, और आप PBN को इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आप और कुछ जो रिस्कीस्ट वेज़ हैं, रिस्की वेज़ हैं इसकी, उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ये सबसे सेफ और सबसे अच्छा वे है किसी एक्सपायर्ड डोमेन को प्रॉपर वे में इस्तेमाल करने के लिए। विच इज़ के आप एक एक्सपायर्ड डोमेन लेते हैं
और आप उसको PBN के तौर पे इस्तेमाल करने के बजाय आप उसको एक रेगुलर साइट के तौर पे तैयार करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कंटेंट भी डालते हैं उसी तरह का, उसके ऊपर उसकी प्रोफाइल बैकलिंक प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, उसको थोड़ा सा ग्रोथ में लेके आते हैं दोबारा क्योंकि वो एक्सपायर्ड हुआ होता है, ठीक है। तो मेरी नज़र में एक न्यू डोमेन को लेके उसके ऊपर साइट सेटअप करना उसकी निस्बत एक ऐसे डोमेन को लेना जो ऑलरेडी आपके नीच से रिलेटेड है, जिसकी ऑलरेडी अथॉरिटी जो है वो बनी हुई थी, वो एक्सपायर हो गया, उसके ऑनर ने उसको बाय नहीं किया दोबारा या उसको कंटिन्यू नहीं किया, या किसी कंपनी का था उस कंपनी ने वो एफिलिएशन उससे ख़त्म कर दी उस डोमेन से, ठीक है। मतलब इस तरह के डोमेन्स लेके उनको एज ए नीच साइट चलाना, एज ए अथॉरिटेटिव साइट चलाना, इट इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल टेक्निक इन एक्सपायर डोमेन्स और PBN, या आप मतलब इस सारे सिनेरियो में अगर इसको देखा तो इट इज़ द मोस्ट बेनिफिटेड ऑप्शन एंड द सेफेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्यों? कि आपको एक ऑलरेडी बना बनाया डोमेन मिल जाता है जो आपके नीच से रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका नीच है गार्डनिंग, तो आप गार्डनिंग के ऊपर जो अपनी रिसर्च करते हैं एक एक्सपायर डोमेन ढूंढते हैं जो आपको मिल जाता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है वो है कि आपको वो सैंडबॉक्स पीरियड भी आपको गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या वो सैंडबॉक्स पीरियड जो जिसे हम मैं थोड़ा सा इसको इन्वर्टेड कोमाज में इस तरह से कहूँगा कि हर किसी की अपने बारे में इसके इस सारे सैंडबॉक्स के बारे में अपनी अपनी राय है, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, अपनी अपनी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसका सैंडबॉक्स पीरियड जो है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका होता है, ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप जस्ट उसके ऊपर थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं कि हार्वेस्टिंग करते हो या हल चलाते हो और आपको जो है वो आपकी ज़मीन है वो ज़रखेज़ हो जाती है दोबारा से, क्योंकि वो ऑलरेडी उस नीच के अंदर उसने उस डोमेन में वर्क किया हुआ होता है, उसकी अथॉरिटी बनी हुई होती है, उसके बैकलिंक्स बने हुए होते हैं, उसका ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ होता है। तो गूगल की जो गूगल का जो क्रॉलर है या गूगल का जो एल्गोरिथम है, ठीक है, उसकी नज़र में ये डोमेन उस सारे प्रोसेस से गुजर चुका होता है जिस प्रोसेस से एक नए डोमेन को गुजरना होता है, ठीक है। नॉर्मली हमें जो है वो मंथ्स लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, एफर्ट लग जाती है एक चीज़ को रनिंग में लाने के लिए, एक साइट को 3-4 महीने के बाद रनिंग में लाने के लिए, उसके ऊपर रिजल्ट देखने के लिए, उसकी रैंकिंग देखने के लिए, ठीक है। मेरी नज़र में ये मेथड ऐसा मेथड है जिस मेथड को हर उस शख्स को इस्तेमाल करना चाहिए जिसका इस फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बजाय इसके कि वो नए डोमेन्स की तरफ जाए, वो किसी एक्सपायर्ड डोमेन को लेके उसको स्टार्ट करे दोबारा। ऐसा नहीं है कि आपने एक डोमेन लिया है किसी और नीच में और आपने उसको स्टार्ट कर दिया किसी और नीच के लिए, ठीक है। रेलिवेंसी लाजमी है, ठीक है, ये दूसरा वे था। तीसरा वे क्या है? तीसरा वे है वेबसाइट फ्लिपिंग, कि आप फ्लिपिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक वेबसाइट फ्लिपिंग का बिजनेस होता है, एक इसी के अंदर एक और इसकी टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है डोमेन फ्लिपिंग, कि आप एक्सपायर डोमेन लेते हो, आप सस्ते डोमेन ढूंढ लेते हो, अच्छे डोमेन ढूंढ लेते हो, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, अगर आपकी फाइंडिंग्स अच्छी हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, या आपके पास टूल्स अच्छे हैं, आप उन टूल्स के थ्रू किसी अच्छे डोमेन को सस्ते डोमेन खरीद लेते हो एंड देन आप उनको थोड़े टाइम के बाद फ्लिप कर देते हो किसी अच्छी प्राइस पे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने $20 के एक्सपायर डोमेन्स लिए हुए हैं और वो उसको 700, 800, इवन के 1000 तक के भी उसको सेल करते हैं, बिकॉज दे नो दी टेक्निक्स और दी हिडन मैट्रिक्स टू कंक्लूड अ डोमेन एज एन अथॉरिटेटिव डोमेन, ठीक है, एक्सपायर डोमेन। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे डोमेन को ढूंढ के उसके ऊपर वेबसाइट पूरी की पूरी सेटअप करते हैं, ठीक है, एंड देन वो उस वेबसाइट को फ्लिप कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस डोमेन के ऊपर ऑलरेडी रैंकिंग होती है उन कीवर्ड्स की जो उसके ऊपर पहले से कंटेंट पड़ा हुआ था, ठीक है, वो उनको उठा के उसके ऊपर उन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड जिनसे रिलेटेड उनकी रैंकिंग थी या उसका रिजल्ट अच्छा था या उसके एंकर प्रोफाइल अच्छी थी, उससे रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, थोड़ी बहुत उसकी मजीद बैक लिंकिंग करते हैं और उसके बाद वो उस डोमेन को फ्लिप कर देते हैं। यानी कि आपने अगर मैक्सिमम आप लगा लें कि $50 का भी एक डोमेन बाय किया, ठीक है, और उसके ऊपर $50 का आपका मजीद कॉस्ट आ गई है कंटेंट की शेप में या बाकी छोटी मोटी चीज़ों की शेप में, ठीक है, और उसके बाद अगर वो डोमेन आपका 400, 500
700 की साइट पर निकल जाती है तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे। ये वो बिजनेसेस हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो जो जिनके राज होते हैं बेसिकली, ये जो सीक्रेट्स होते हैं उन लोगों के, जिन लोगों के बिजनेस होते हैं, वो ये कभी भी आपको नहीं देंगे। उनकी हमेशा ये कोशिश होगी कि ये हमेशा सीक्रेट रहें, ये हमेशा किसी दूसरे के हाथ में ना जाएं तो मेरा बिजनेस खराब होगा। ठीक है, मेरी ये कोशिश ये है कि मैं इस सारी सीरीज के अंदर आपको हर वो चीज दे दूं जो इन चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, करना आपका काम है, रिसर्च करना आपका काम है, लगना आपका काम है, फाइंडिंग करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। That's what I can do, and obviously I will show you the demonstration कि ये सारा process किस तरह से करना है। अच्छा, अब ये चार ways हो गए, पांचवा way इसका एक और बड़ा risky है, ठीक है, लेकिन for short term इसको हम कर सकते हैं और short term इसको करते भी हैं, लेकिन अगर इसको properly किया जाए तो ये short term की बजाय long term भी बन सकता है। ठीक है, वो है 301 redirect। मैं इसको बोलता हूँ magic, मैं इसको बोलता हूँ magic के 301 redirect जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। 301 redirect to your money site, आप एक एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढते हैं जो एक निक से रिलेटेड होता है, हाई क्वालिटी होता है, उसकी जो है वो रेलिवेंसी आपके निक से रिलेटेड निक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल आपका अगर जो आपका जो आपकी मनी साइट है वो फॉर एग्जांपल किसी अमेजोन की प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेट्स से कि हेडफोन की प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये हेडफोन वाली कहानी आज मेरे जहन में थोड़ी ज़्यादा घूम रही है, उसकी रीज़न है और मेरा ख्याल है वो रीज़न भी इसी ग्रुप के अंदर जो है वो बैठी हुई है। अच्छा, तो हेडफोन्स के ऊपर है, आप एक एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढते हैं जो हेडफोन्स के निक से रिलेटेड है, या फॉर एग्जांपल टेक्स से रिलेटेड है। रेलिवेंसी चाहिए ना, एग्जैक्टली नहीं चाहिए कि कोशिश ये नहीं है कि वो डोमेन भी जो है वो हेडफोन से रिलेटेड ही होना चाहिए, रेलिवेंसी है दैट्स इनफ। आपको कंफर्म हो जाता है कि उसकी लिंक प्रोफाइल अच्छी है, उसकी लिंक प्रोफाइल स्ट्रांग है, ठीक है, उसकी जो उसका जो कंटेंट था वो रेलिवेंट था, उसका जो निच था वो रेलिवेंट था। आप कुछ भी नहीं करते, आप सीधा उसको 301 कर देते हो टू योर मेन साइट, टू योर मनी साइट। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की मेथड इस वजह से है कि अगर आपको ये समझ नहीं आती कि आपने इसको एक्सपायर्ड डोमेन को प्रॉपरली चेक कैसे करना है कि ये सेफ भी है या नहीं, और मैं ऐसे ही किसी फजूल डोमेन को, किसी स्पैमी डोमेन को उठा के 301 कर दिया और आपको कल को पेनल्टी आ गई, या आपको कल को जो आपकी रैंकिंग थी वो ड्रॉप होगी, तो आप कहेंगे जी उमर भाई ने मुझे ऐसे बता दिया था और मैं हमने इससे ऐसे किया तो हमें ऐसा। तो रिस्की वे है, मैं अगेन बता रहा हूँ, रिस्की वे है, करना चाहें करें, किसी प्रो को हायर करना चाहें सारे ऑपरेशन के लिए उसको करें, ठीक है, बट ये वो वेज हैं जिनसे आप प्रॉपरली फायदा उठा सकते हो। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या वे है, इसका एक और वे है, एक नहीं बल्कि दो तीन कंक्लूडिव वे हैं। आप इनके थ्रू गेस्ट पोस्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप इनके थ्रू लिंक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप इनके थ्रू पीबीएन्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप ऐसे डोमेन्स ढूंढते हो, उनको सेटअप करते हो, उनके ऊपर गेस्ट पोस्ट ऑफर करना शुरू कर देते हो, आप ऐसे लिंक, आप ऐसी साइट्स ढूंढते हो, आप ऐसे डोमेन्स ढूंढते हो, उनके ऊपर कंटेंट डालते हो थोड़ा बहुत, उनको दोबारा रनिंग में लेके आते हो, थोड़ी सी मजीद बूस्टिंग करते हो। एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू जो हो रहा है, जो नॉर्मली होता है। ठीक है, जब मैं किसी पीबीएन सर्विस को थर्ड क्लास कहता हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है, ठीक है, कि उसके उसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो स्पॉइल्ड होते हैं, वो मैनिपुलेटेड होते हैं। ठीक है, वो आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रहे होते बिकॉज दे आर मैनिपुलेटेड एंड एवरीवन, हर किसी का ये शायद मुझसे भी ज़्यादा कुछ लोगों के पास नॉलेज हो इस बारे में और वो रखते होंगे, बट जिस बंदे को ये नहीं पता कि उसने एक एक्सपायर डोमेन को कैसे एनालाइज करना है, एक पीबीएन के डोमेन को कैसे एनालाइज करना है कि ये इस काबिल भी है या नहीं कि मैं इससे लिंक लूँ, या जस्ट मैं इसके मैट्रिक्स देख के लिंक ले लूँगा, उसकी लिंक प्रोफाइल बड़ी मैटर करती है, उसके एडिटोरियल लिंक्स बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया किसी, मुझे ज़रा क्लियर करें कि यहाँ तक सबको समझ आ गया और किस किस ने यहाँ तक देखा था, या इन बातों चीज़ों के बारे में कुछ यूनिक है इसमें, या सारा वही है, फजूल है पहले की तरह। मैं हमेशा फजूल नॉलेज देता हूँ सबको। अच्छा चलें, सारे पॉइंट शायद किसी को भी यूनिक ना मिले, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ के बारे में जो है वो सुना होगा, किया होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा, बट कुछ चीज़ें आई एम श्योर कि कुछ चीज़ें इसमें हर किसी के लिए यूनिक होंगी,
कि उन्होंने इन चीज़ों को नहीं सुना होगा कि पहले इन चीज़ों को इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड बिलीव मी, लोग इसको बिजनेस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बिलीव मी। लोग प्रॉपर बिजनेस सेटअप करते हैं, वो कोई और काम नहीं करते, उनका काम ही सिर्फ ये होता है कि वो एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढते हैं, उनको पीबीएन में शामिल करते हैं, वो एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढते हैं, उनके ऊपर साइट सेटअप करते हैं। कुछ लोगों ने डोमेन फ्लिपिंग का बिजनेस बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने एक्सपायर्ड डोमेन्स का बिजनेस बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने साइट फ्लिपिंग का बिजनेस के थ्रू बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने इसी के थ्रू गेस्ट पोस्ट का बिजनेस बनाया हुआ है, पीबीएन का बिजनेस बनाया हुआ है। ठीक है, दीज आर प्रॉपरली प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस। ठीक है, अब मैं आपको क्या इससे ज्यादा क्या ब्रीफ कर दूं? आई डोंट अंडरस्टैंड कि किससे क्या ब्रीफ कर दूं। क्या ब्रीफ करना है? यस आई नो ज़िया, इसीलिए मैंने 301 को रिस्की मेथड जो है वो बताया। 301 इज अ रिस्की मेथड इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली। सही है, चलें। वो जो लोग कह रहे थे ना कि रिकॉर्डिंग का, वो रिकॉर्डिंग भी जो है वो स्टॉप हो गई है, तो अगर कोई मुझसे अब कोई दोबारा कभी मांगे ना रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपके सामने अभी मैसेज आया रिकॉर्डिंग स्टॉप होने का। आप पीपल आर मैनिपुलेटिंग अथॉरिटी। दिनेश, आई विल सजेस्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार। आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू आंसर यू। दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बाय द वे दिनेश। रीडायरेक्ट कैसे करें? रीडायरेक्ट यार 301 रीडायरेक्ट होती है, जस्ट जाके गूगल करो एक दफा कि हाउ टू रीडायरेक्ट 301, आपको उसका कोड मिल जाएगा। वो कोड जाके जस्ट आपने जो है वो एस टी एक्सेस में लगाना होता है या किसी और चीज में लगाना होता है। नहीं, क्लाउड नहीं लगाई थी आर्यन, मैंने लोकल रिकॉर्डिंग लगाई थी। वेयर वी कैन फाइंड, मैं यार अभी स्टार्ट हुआ हूँ रफीउल्ला, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मैं एंड तक लेके जाऊंगा मेरे भाई। अभी 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 मैं स्टार्ट हुआ मेरे भाई, अभी तो मैंने जस्ट ये बताए हैं। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाती है सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है जी, हमें समझ आ गया कि इन इन एक्सपायर्ड डोमेन्स को या एक्सपायर्ड डोमेन्स को किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया था। अब हमने फाइंड कैसे करना है? ठीक है, पहले हम करेंगे हमने अच्छा यार एक चीज़ मैं सबको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जितने लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे जो यूनिक नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख रहे होंगे सुन रहे होंगे जो यूनिक होंगी आपके लिए, या हो सकता है दो लोगों के लिए यूनिक हो, 10 लोगों के लिए यूनिक हो। ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म सिर्फ ये बताना ये चाह रहा हूँ कि फोकस करें। ठीक है, शायद आपको कोई एक आधी काम की चीज़ मिल जाए अगर बहुत ज़्यादा आप प्रो हैं। ठीक है, आप इस चीज़ में ना रहें कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है या ये चीज़ इसके लिए नहीं है। हो सकता है इस सारी के अंदर मैं, मेरी कोशिश ही होती है जब भी कोई मुझसे, मेरा जूनियर भी बात कर रहा होता है या मेरे साथ कोई डिस्कशन कर रहा होता है, मेरी कोशिश ही होती है कि मैं उसकी बात से कोई काम की बात ढूंढूं। ठीक है, जो गुफ्तगू होती है, जो डिस्कशन होती है या जो डिबेट होती है, वो हमेशा इसी बारे में, उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो बेशक आप बहुत बड़े प्रो होते हैं लेकिन आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो आपके लिए बड़े काम का साबित होता है। मेरे साथ बड़ी दफ़ा इंसिडेंट हुआ है, मैं आई एम नॉट कि मैं कोई बहुत बड़ा हूँ यूजफुल रहेगा ये वेबिनार। आई पर्सनली थिंक नो राहिल, मेरा नहीं ख्याल कि जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है उनके लिए नहीं रहेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनके लिए भी आसानी, असल में पैदा तो उन्हीं के लिए करनी है ना। प्रो तो जाहिर सी बात है हर किसी को पता होगा, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उनको एटलीस्ट इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इसका एक प्रॉपर मेथड, फ्री में प्रॉपर मेथड क्या हो सकता है इसको एग्जीक्यूट करने का, इस सारी स्ट्रेटजी को। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि हमें इनको फाइंड कैसे करना है। देखें, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये पूरे एक बिजनेस मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें इस सारी प्रोसेस के अंदर जो टूल्स हैं वो ज़्यादातर आपको पेड मिलेंगे। ठीक है, पेड टूल्स ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं होते या फ्री मेथड नहीं है। इसमें बहुत सारे फ्री मेथड्स ऐसे हैं जो हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको
आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहते हैं, देखिए ना फ्री के अंदर हमेशा लिमिटेशन आएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एज ए बिजनेस लेंगे, तो जब आप इसको एज ए बिजनेस लेंगे तो फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, फिर आप अच्छे से अच्छा टूल अपने पास रखना चाहेंगे टू अकम्प्लिश द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें सर्विस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी सर्विस इसको कवर कर सकूं, मैं कुछ फ्री टूल्स को भी यूज़ करूंगा, कुछ पेड टूल्स को भी यूज़ करूंगा जिनको मैं पर्सनली करता हूं, ठीक है, तो उसके थ्रू भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जिस बंदे का कभी इसके बारे में फ्यूचर में बिजनेस का प्लान हो तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, जिसका इस सारे प्रोसेस को करते हुए सेटअप करते हुए या इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई साइट परचेज करने का, कोई साइट बनाने का ऐसी एक्सपायर डोमेन पे हो तो उसका भी सारा क्लियर हो जाए, और कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं कि वो किस किस तरीके से जो है वो इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकता है। कुछ टूल्स होते हैं, कुछ प्री प्लान जो है वो सर्विसेज होती हैं, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, दे विल जस्ट प्रोवाइड यू द बेस्ट डोमेन्स इन देयर analysis and you will just have to subscribe to their service or their premium service, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो मुझे पता है मेरे इस वेबिनार के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस वेबिनार के बाद इस सारे इन सारी बिजनेस स्कीम्स के अंदर से कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आई नो पर्सनली उन लोगों को मैं जानता हूँ जो इस वेबिनार के अंदर बैठे हुए हैं, जो इस वेबिनार के बाद इसको एज ए बिजनेस लेके चलेंगे, ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन इनटू डिस्कशन विद मी, बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में, बहुत अच्छे से जो है वो इस सारे चीज़ को जो है वो परसू करना चाह रहे थे, बट वो नहीं कर सके थे, बट आई कैन गारंटी दैम कि इस सारे प्रोसेस के बाद वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकेंगे और बड़े अच्छे वे में स्टार्ट कर सकेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कोई चीज़ ऐसी ना हो जो हिडन रहे, और वो चीज़ें ख़ास तौर पर जो कोई भी बिजनेस ऑनर बताना नहीं चाहता, टू रिवील द सीक्रेसी ऑफ हिज बिजनेस और सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन टूल्स की तरफ। मैं सबसे पहले तो कुछ जो प्रीमियम भी हैं और जो फ्री वर्जन्स भी हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। फ्रेश ड्रॉप एक साइट है जिसके बारे में मैं बल्कि खोल के भी दिखा देता हूँ सबको। एक साइट है freshdrop.com, एक साइट है domcop, इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। एक दो और भी साइट्स हैं, मूनजी एक साइट है, बल्कि मूनजी को रहने दें मेरे ख्याल में, के अलावा पहले मैं दोनों दो को कवर कर लूं। अच्छा, ये दोनों जो टूल्स हैं ये फ्री भी हैं और ये पेड भी हैं, ठीक है। फ्री के अंदर थोड़ी सी इन्होंने लिमिटेशंस दी हुई हैं, जो प्रो हैं उनके अंदर इन्होंने थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट फीचर्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी एफर्ट भी बच जाती है, आपका टाइम भी बच जाता है, ठीक है। ये टूल्स आपको इंफॉर्मेशन देते हैं या आपको एक्सपायर डोमेन्स अवेलेबल करते हैं, ठीक है। इनमें से शायद ये टूल ऐसा है domcop, या मेरा ख्याल है फ्रेश ड्रॉप भी जो है वो बेचता है। आई हैव नॉट यूज्ड फ्रेश ड्रॉप, बट domcop के बारे में मुझे पता है कि ये एक्सपायर डोमेन्स बेचते भी हैं, ठीक है। मैं अब इनकी तरफ जो है वो बाद में आऊँगा, ठीक है, क्योंकि इनको मैंने अलग से जो है वो हैंडल करना है, अलग से जो है वो इनको करके दिखाना है। सबसे पहले मैं आता हूँ कि फ्री में हमारे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। फ्री में हमारे पास, वैसे एक और बात भी मैं थोड़ा सा बताऊँ कि इन जो दो टूल्स गुजरे हैं इनको हम फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन उसमें लिमिटेशंस है, ठीक है, और लिमिटेशंस की वजह से आप थोड़े से बाउंड भी होते हो। तो कोशिश करते हैं कि हम पहले स्टार्ट ही ऐसे ऐसे करते हैं जो बिल्कुल ही फ्री है, expireddomains.net, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया होगा, कुछ लोगों ने पहली दफ़ा सुना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया हुआ है उसके अंदर से भी मैं इसको थोड़ा बहुत जो है वो एलैबोरेट करके दिखाऊँ।
कि हम किस तरह से एलैबोरेट कर सकते हैं. पार्डन माय वॉइस फॉर टुडे सेशन, आज मैंने बहुत बोला है. अच्छा यार ये साइट देख लें, सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि मैं इसको नकारा साइट क्यों बोलता हूँ. मैं इसको नकारा साइट बोलता हूँ वैसे बाय द वे, कि एक तो ये फ्री है और जो चीज़ फ्री होती है उसके ऊपर कंपटीशन इंतहा का होता है. ठीक है, हज़ारों लोग उसके ऊपर बैठे होते हैं. तो अगर आप प्रॉपरली इस बिज़नेस को लेके जाना चाहेंगे तो मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा. मैं पर्सनली ख़ुद भी इसको यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करता हूँ. ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी तरफ आना चाहें, मैं इसके कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. इसी के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कोई एक्सपायर डोमेन जो है वो फाइंड करके बताऊँ कि हाउ वी कैन फाइंड अ प्रॉपर. एंड मेरी लक पे भी डिपेंड करता है. एक और चीज़ मैं थोड़ी सी इससे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग ना ये सोचे होंगे कि अच्छा यार इसके थ्रू प्लीज़ डू फास्ट. मैंने क्या कर दिया भाई, मैं क्यों क्या कर दूँ डू फास्ट अली रजा. एक चीज़ मैं यहाँ पे ना छोटी सी बताता चलूँ, ये जो सारी प्रैक्टिस है ना एक्सपायर डोमेन फाइंडिंग्स की या एक्सपायर डोमेन ढूंढने की या रिसर्च की, एक्सपायर डोमेन रिसर्च की, ये ऐसी नहीं है कि आप एक ही दिन में मास्टर बन जाएंगे और एक ही दिन में, या आप बैठे हैं अभी रिसर्च करना और आपको कोई अच्छा डोमेन मिल गया. ठीक है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसमें आप जितनी ज़्यादा गहराई में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे. बड़ी दफ़ा आपको शायद पैसे भी ज़ाया करने की जो है वो नौबत आ जाए. मतलब आप कभी ऐसा डिसीजन ले जाते हैं जिसकी वजह से आप कोई ऐसा डोमेन जो है वो ले लेते हैं जो बाद में आपको पता लगता है यार मुझे नहीं लेना चाहिए. ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर इस वजह से कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि इसके बाद सारे जंप करना शुरू कर दें इसी 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 प्रोसेस के अंदर और इसको हाँ बहुत सारे लोगों ने, मेरा ख्याल है कि जो भी फर्स्ट टाइम इस सारी प्रैक्टिस के अंदर पढ़ता है वो लाजमी एक दो दफ़ा जो है वो वेस्ट करता ज़रूर है पैसे टू एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस. बट मेरी कोशिश क्या होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि आप वो एक्सपीरियंस वो जो वेस्ट आपने करना है वो ना करें. आपको जो जितनी प्रॉपर टेक्निकल या रिसर्च रिलेटेड जो स्टफ है वो मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूं कि वो किन क्या चीज़ें हैं, वो क्या सारी प्रैक्टिसेस हैं, या वो कौन से मैट्रिक्स हैं, या वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको सामने रखते हुए आपको ये फाइनलाइज करना है कि हाँ ये डोमेन इस काबिल है कि मैं इसको ले सकूँ. ठीक है, अब ये आपके सामने साइट आ गई. अगेन ये फ्री है, इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं अपने जिसे कहते हैं ना फिशिंग करने जाते हैं तो आप अपना कांटा लगा के बैठे होते हैं, तो यहाँ पे लोग कांटा लगा के बैठे होते हैं टू ग्रैब दैट जूसी डोमेन और टू ग्रैब दैट मनी ओरिएंटेड डोमेन, मनी मशीन जिसे कह लें. ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है. But we will try to find a domain today from this method. अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ इस साइट को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हम इसके अंदर से एक्सपायर डोमेन ढूंढ सकते हैं, हम इसके अंदर से वो डोमेन ढूंढ सकते हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, हम इसके अंदर से वो डोमेन ढूंढ सकते हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं या डिलीट होने वाले हैं, सॉरी. ठीक है, जो 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 फीचर्ड है जो सॉरी जो जो प्रो टूल्स है ना उनके अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, उनके अंदर आपको इससे भी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक डोमेन अगर कल डिलीट होने वाला है, कल एक्सपायर होने वाला है, आप उसको भी वहाँ से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो लिमिटेशंस का थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है ना वो रहेगा. अब हम ज़रा आ जाते हैं इसके ऊपर ना, दो ऑप्शन हैं कि आप दो ऑप्शन दो तरीकों के थ्रू जो जो मेरी फाइंडिंग है वही है कि दो तरीकों के थ्रू आप इसके इससे जो है वो डोमेन ढूंढ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब ये मैं एक किस्म का प्रोसीजर आपको करके दिखा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मेरा एक मेरी एक साइट है, मेरी एक मनी साइट है, या मैंने एक मनी साइट बनानी है. ठीक है, और जो मेरा कीवर्ड है उस कीवर्ड के अंदर आता है लेट से उस कीवर्ड के अंदर आता है कोई वर्ड बताएं, कोई कीवर्ड बताएं. अच्छा सा मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सा इस वक्त बॉगल हुआ हूँ, मैं ज़रा दिन में था. कोई कीवर्ड बताएं, हेडफोन भी एक मिनट रुक जाओ. स्टोर वेयर लिफ्टिंग वॉलपेपर फोन कैट
मॉम एसईओ वेट लिफ्टिंग वेट लॉस गोल्फ गोल्फ एक अच्छा कीवर्ड है टू बी ऑनेस्ट. अच्छा चलें, मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया, मैं इसको सर्च करता हूँ एंड इट विल शो मी के ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है जैसे मैंने बताया कि मेरा जो बल्कि मैं लॉग इन कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है. बचा भाई नहीं यार ऐसे ना करो. ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना करो यार ऐसे. पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा बट आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट. मैं इस पे ही जाता हूँ ऐसे ही गोल्फ और अभी आपके सामने आ जाएंगे सारे डोमेन्स जिनके अंदर गोल्फ का वर्ड जिनके एंड में या पहले गोल्फ का वर्ड जो है वो अवेलेबल है. ठीक है लेकिन अब ऑब्वियसली ये हमें बता रहा है जी तकरीबन 3 लाख के करीब 4 लाख के करीब जो है वो डोमेन्स अवेलेबल हैं जिसमें गोल्फ का वर्ड फर्स्ट और लास्ट में जो है वो आता है. बट हमें तो इतने डोमेन्स के अंदर से हम कैसे ढूँढेंगे, तो इसके फिल्टर्स के ऑप्शन में जाएंगे. आपको नजर आ रहा है ना जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. थैंक यू. मैं वैसे ना आर्यन इसके ऊपर जरूरत मुझे है नहीं, मैंने शायद अकाउंट बंद पासवर्ड जो है वो भूला हूँ मैं, या शायद मुझसे टाइपो के अंदर कोई गलती हो रही है. मैं आज सारा दिन में थोड़ा बिजी था तो बहुत मुझे आज थोड़ी सी ज़्यादा बोलना पड़ा, इस वजह से बस मेरा माइंड इस वक्त मेरी जगह पे नहीं है. पार्डन मी फॉर दैट. अच्छा आपको नज़र आ रहा है ना, सही आ रहा है, लेट मी कंटिन्यू. अच्छा फिल्टर के अंदर जाएंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपने एक चीज़ करनी है. सबसे पहले आपने यहाँ पे ना कुछ चीज़ें समझने वाली हैं. ठीक है देखें यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से फिल्टर लगाने हैं, सिर्फ मेरे लगाए हुए फिल्टर नहीं देखने. ठीक है अपनी मर्जी से फिल्टर लगाने हैं. आपका पर्पस क्या है? अगर आपका पर्पस है गैस पोस्ट बेचना, आपका पर्पस है एक नीच साइट बनाना, उसके अलग से मैट वो क्या नाम है इसके फिल्टर होंगे. अगर आपका अगर आप फॉर एग्जांपल एक साइट है जिसको आप किसी यूएस कंट्री में या किसी यूरोपियन कंट्री में टारगेट करना चाहते हो, उसके लिए एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ रहे हो, उसके लिए अलग मैट्रिक्स होंगे. ठीक है किसी को फ्लिपिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो या कोई अथॉरिटेटिव साइट जो है वो ढूंढना चाह रहे हो, उसके लिए अलग से मैट्रिक्स होंगे. तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि किस किस तरह से आप इस चीज़ को नैरो डाउन कर सकते हो. ठीक है सबसे पहली चीज़ कि अब इसमें बहुत सारी एक्सटेंशन ऐसी होंगी, जैसे यहाँ पे ये सारी एक्सटेंशन है, इसका मतलब है ये सारी एक्सटेंशन हमें अवेलेबल कर रहा है यहाँ से. ठीक है अब हमें ये सारी एक्सटेंशन नहीं चाहिए. सबसे पहले मैं करूँगा .com, .net और .org. ठीक है इसके अलावा भी अगर आपके कोई सूटेबल एक्सटेंशन है तो ठीक, अदरवाइज आप इन तीनों की तो पर स्टिक करें तो ज़्यादा बेहतर है. बल्कि मैं .org को भी शायद इतना ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं कहूँगा. .com, .net के ऊपर रहें. ठीक है अप्लाई फिल्टर करें एंड ये देखें दो बनो अभी भी कम तो हुए हैं लेकिन काफ़ी इतने ज़्यादा कम नहीं हुए, 3 लाख अभी भी हैं. ठीक है मज़ीद फिल्टर करेंगे. मज़ीद फिल्टर हम कैसे कर सकते हैं, डिलीटेड डोमेन कर दें. ठीक है सिर्फ डिलीटेड डोमेन कर दें लेकिन इसके ऊपर भी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो ये वर्ड मेरा ख्याल है छोटा ज़्यादा है तो इस वजह से सारे वो दिखा रहा है. अच्छा उसके बाद हम कर लेंगे यार, अब मेरा असल में ना मेरा लॉगिन नहीं है. ज़रा अपना लॉगिन देना, कौन सा लॉगिन था, अपना लॉगिन देना. मेरा लॉगिन नहीं है ना तो ये मुझे प्रॉपरली वो नहीं दे रहा. आर्यन लॉगिन देना मुझे. एक गेम तो 3 सेकंड. अच्छा नहीं इनबॉक्स में करो बस, सही है. 1, 2, 3
नहीं हो रहा यार। ओ सॉरी, मैंने गलती की है, हाथ से गलती नहीं की। 1 2 3 हो गया, थैंक यू, बस सही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जाएंगे गोल्फ गोल्फ पर। अच्छा ये ना थोड़ा सा प्रोसेस भी जो है वो टाइम टेकिंग होता है, कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है? और टाइम टेकिंग होता है और बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, जिस तरह से कंटेंट लिखना पेनफुल होता है ना कुछ लोगों के लिए ऐसे ये भी होता है। अच्छा सबसे पहले मैं डिलीटेड डोमेन कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से इसकी अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि अगर आप कोई ऐसा डोमेन बना रहे हैं जिसके ऊपर आपने साइट बनानी है, या जिसको आपने एज ए गेस्ट पोस्ट सर्विस इस्तेमाल करना है, या फ्लिपिंग के लिए बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें कि उसमें नंबर्स ना हो, उसमें कैरेक्टर्स ना हो, उसमें हाइफन ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? कोई हाइफन वगैरह ना हो, कंजेक्टिव हाइफन वगैरह ना हो, ठीक है? इस तरह से ये मजीद इसको फिल्टर कर देगा। लेट मी सी ये कितना फिल्टर करता है। चार लाख से कहाँ पे लेके आता है? ओ जीरो डोमेन पे दे दिया, माफी माफी माफी। डिलीटेड डोमेन, अब ये दूसरे नंबर वाले टीम के साथ खेलेंगे, जो उनमें से जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। क्वेटा बार हो गया। अच्छा मेरा ज्यादा ख्याल है ये इसमें है ही नहीं, गोल्फ का वर्ड को इन क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतर रहा। कर देता हूँ और मैं नंबर्स का यहाँ से फिल्टर कर देता हूँ। तो हाँ कम किए इसने, लेकिन इतने कम नहीं किए, ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। एंड उसके बाद मैं एडिशनल कर देता हूँ, एडिशनल के अंदर मैं ओनली TGLDs, ओनली TGLDs। यहाँ से आप लैंग्वेजेस के हिसाब से, TLD के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कंट्री के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर क्राइटेरिया कि आपने किस किस तरह के जो है वो करने हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें से ये रखने हैं फिलहाल। मैं कर दूंगा इसको अप्लाई फिल्टर। ठीक है, ये अभी भी कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा भी नहीं है भाई। नो कैरेक्टर, नो हाइफन, नो हाइफन करके देख सकते हैं। I don't need hyphen. ठीक है, ये इस तरह से ना फिल्टर होता जाएगा। ये देखें, ये तकरीबन सब 2.5 लाख से ऊपर ही है अभी भी, ठीक है? ये इस तरह से होता जाएगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ना इसके सारे मैट्रिक्स जो 1 by 1 है मैं उनको करके आपको दिखा दूं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एडिशनल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से भी हम ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? जो उसके बाद हम आ जाते हैं एडवर्ड्स एंड SEO के अंदर। अच्छा फॉर एग्जांपल, अब ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक ऐसा डोमेन ढूंढ रहा हूँ जिसके ऊपर कम से कम बैकलिंक विकीपीडिया से बैकलिंक हो, ठीक है? 1, 2, 3 या जितने भी हों। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 कर देता हूँ अपनी सली के लिए, कि मैं ऐसे डोमेन्स को ढूंढ रहा हूँ जिनके अंदर गोल्फ का कीवर्ड भी हो और जो .com, .org और .net के ऊपर हो, और उसके ऊपर उस डोमेन की तरफ विकीपीडिया से बैकलिंक भी आ रहा हो, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। लेट्स सी कि इसमें कुछ बचता है या नहीं बचता, अक्सर ये खाली बता देता है। ये देखें, ये 21 डोमेन्स के ऊपर आ गया लेके। इसका मतलब बता रहा है कि ये वो डोमेन्स हैं जिसके अंदर गोल्फ का वर्ड भी है, .com, .org और के ऊपर हैं ये, ठीक है? मतलब आपकी वो सारी फिल्ट्रेशन भी हुई है, और इसके ये जो डोमेन है इनकी तरफ विकीपीडिया से बैकलिंक आ रहा है, ठीक है? अब ये 21 डोमेन्स आपके पास आ गए हैं कि जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। अभी मैं इसको मजीद भी फिल्टर आउट कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि इन चीज़ों को कैसे मजीद थोड़ा थोड़ा फिल्टर करना है, ठीक है? अब मैं फॉर एग्जाम्पल
इसको मजीद फिल्टर करता हूँ अपनी कुछ अपनी फाइंडिंग्स की बेस पे या अपने अपने फिल्टर्स की बेस पे, इसके अंदर ये ऑप्शन आता है मेजेस्टिक का, कि मेजेस्टिक में ये देता है कि जी आप कितने ट्रस्ट फ्लो का चाहते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कि मुझे वो डोमेन चाहिए जिनका ट्रस्ट फ्लो कम अज़ कम 10 हो, ठीक है, 10 से ऊपर हो, मिनिमम 10 होना चाहिए। मतलब ये मैं अपने उससे कर रहा हूँ, कुछ लोग 5 के ऊपर भी करते हैं। मेरे मैट्रिक से पीछे ना पड़ जाना यार प्लीज, मेरे मैट्रिक से पीछे ना पड़ जाना, 10 वाला कोई नहीं है। लेट्स से मैं इसको 5 पे कर लेता हूँ, ये देखिए ये दो डोमेन बच गए हैं, ठीक है, ये दो डोमेन बच गए हैं जिनका ये बता रहा है कि जी इनका जो 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 टीएफ है ये वो कम से कम 5 है, 5 से ऊपर ऊपर है, 5 से नीचे वाला कोई नहीं है। और ये देखें ये 2010 का डोमेन है, जिस जो यानी कि इसका मतलब है 8 साल पुराना डोमेन है, और ये एक्सपायर्ड है और ये अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं होती, आपने ये डोमेन तो ढूंढ लिए, बट इनकी क्या क्वालिटी है, इनकी क्या वर्थ है, ठीक है, कि अगर आप इनको एज ए एक्सपायर्ड डोमेन इस्तेमाल करते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है आपको उसका, ठीक है। मैं अभी ना मैट्रिक्स गेम में ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैट्रिक्स और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाह रहा था, तो उस एक्सपेरिमेंट की बेस पर मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अभी मैं अगर इसको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको एक कर देता हूँ कि कम अज़ कम एक लिंक आना चाहिए, तो यहाँ पर और डोमेन बच जाएंगे। ये देखिए से पहले मैंने 3 पे सिलेक्ट किया था, अब मैंने ये देखें यहाँ पे 38 डोमेन्स आ रहे हैं। इसका मतलब है ये 38 डोमेन्स जो हैं ये बता रहे हैं कि इनके अंदर गोल्फ का वर्ड भी है और इनका टीएफ भी जो है ट्रस्ट फ्लो मैट्रिक्स जो मैजिस्टिक है मैट्रिक है वो 5 है और ये अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं ज़रा इसके फिल्टर को मज़ीद थोड़ा सा कोई अच्छा डोमेन ढूंढ ही लेते हैं परचेज करने के लिए साथ ही। 10 मैं 10 पे करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर से कौन से डोमेन बचते हैं। हाँ देखें 13 डोमेन बच गए जिनका टीएफ जो है वो 10 का, लेकिन .com के सिर्फ ये 2 बचे हुए हैं, .in का बचा हुआ है, .net का बचा हुआ है, .at का बचा हुआ है, ठीक है, .ca का बचा हुआ है, ठीक है। इनकी एज आ रही है साथ, और इनकी एज आ रही है साथ कि इनका क्या है, बैकलिंक्स आ रहे हैं इनके कि कितने बैकलिंक्स हैं इनके बाहर। यहाँ तक समझ आया तो मैं तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे टेक्निक, अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। यार मैं अभी ना उन सारे मैट्रिक्स में पढ़ना नहीं चाह रहा जिन मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे पता है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, अगर वो मैंने यहाँ पे बताएंगे अभी बताना शुरू कर दिया तो ये लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। यार फिल्टर्स होते हैं जो नैरो डाउन करते हैं, ठीक है, आपकी सारी रिसर्च को नैरो डाउन कर देते हैं। अब ये देखें ना 400,000 डोमेन्स थे जिनके अंदर से सिर्फ 13 बचे हैं, अभी गेम खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे ये ना समझ लेना कि बस ये डोमेन हमें मिल गए और बस जाके इनको रजिस्टर कर दिया और इनके ऊपर साइटें बनाना शुरू कर दी या इनको जो है वो इनको प्रमोट इनसे रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिया या सारी ये गेम, नहीं ऐसा नहीं है, अभी ये गेम यहाँ से शुरू हुई है बेसिकली। रिसर्च पे बताया हमें, यार मैं अपनी रिसर्च तो बता रहा हूँ लेकिन मसला ये है ना कि आपने 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 किस पर्पस के लिए ढूंढना है, ठीक है, आपने किस पर्पस के लिए ढूंढना है। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ये है सिंपल डिस्क गोल्फ, अब आई डोंट नो ये किस पर्पस के लिए है डोमेन, बट लेट्स सी फाइंड करते हैं गोल्फ जनरल डॉट ऑर्ग, ये अच्छा डोमेन है वैसे 2015 का है, काफी पुराना डोमेन है। अच्छा उसके बैकलिंक्स 15 है और इसका जो टीएफ है वो 13 है, वेरी गुड, और इसको एक डोमेन से जो है वो अच्छा ये जो इधर एक और फिल्टर आना चाहिए विच इज डीपी, ये तो इसका आ रहा है, एंड लेट मी सी कस्टमाइज कॉलम करता हूँ। एक और चीज़ है यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मैट्रिक भी जो है वो शामिल कर सकते हैं, लेट्स से मेरे जो मैट्रिक्स हैं वो हैं, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक इंक्लूड करना है विच इज़ टी आर,
एक ये मैंने करना है और एक मैंने करना है एमबी में सिक्स में बैकलिंक्स मेजेस्टिक डोमेन पोर्ट मेजेस्टिक डोमेन पोर्ट ये मैंने करना है। अब सारे लोग सोच रहे होंगे ये हमें बता क्यों नहीं रहे, ये खुद ही किए जा रहे हैं, व्हाई इज दैट, क्या वजह है, सोच रहे हैं ना। बट ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने इसमें बेसिकली एक मैंने ये अपनी तसल्ली के लिए किया, ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि एमडीपी के वो कितने डोमेन्स हैं डोमेन पॉप जिनसे ये बैकलिंक्स आ रहे हैं 26। इससे मुझे ना एक छोटा सा ये आइडिया मिल जाएगा कि मुझे थोड़ा सा डोमेन की वर्थ पता लग जाएगी। ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये डोमेन ऐसे देखेंगे, यहाँ पे तीन डोमेन बता रहा है, 15 दो डोमेन बता, ये देखिए जैसे दो टू डोमेन्स बता रहा है कि टू डोमेन्स है लेकिन उससे 50 बैकलिंक्स आए हुए हैं, इसका मतलब है ये चीज थोड़ी सी सही नहीं है, ठीक है, इट्स रिस्की इन 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 सम सेंस। इसी तरह से ये 698 बैकलिंक्स हैं लेकिन ये 15 डोमेन से आए हुए हैं, 15 रेफरिंग डोमेन से आए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इस काबिल नहीं है, ये थोड़ा सा इंडिकेशन नेगेटिव दे रहे हैं। वो अलग बात है कि इसके ऊपर आप डिटेल में जाएं और आपको मिलेगा, एक मिनट मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, कि आप आपको डिटेल में जब जाएंगे, अभी मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा कि आगे जाके इसको क्या करना है, लेकिन ये एक छोटी सी इंडिकेशन है जिसकी वजह से मुझे यहीं से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये डोमेन इस काबिल भी है कि इसके ऊपर मैं जाके मजीद थोड़ी सी रिसर्च करूँ या फाइंड करूँ कि ये कि इसको लिया जाए या ना लिया जाए, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से कोई एक अलग डोमेन सेलेक्ट करता हूँ जिसके ऊपर मैं मजीद कर सकूँ, 101 डोमेन नहीं, 1 डोमेन 15 नहीं, 444 नहीं, 716 ये क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक्सटेंशन का है, 150 नहीं, 2546 ये डोमेन एक अच्छा लग रहा है बट आई डोंट नो कि ये किस पर्पज़ के लिए है, सिंपल डिस्क कॉल्स, ये डोमेन एक अच्छा लग रहा है जिसके 4 रेफरिंग डोमेन्स हैं और 6 जो है वो इसके बैकलिंक्स हैं और इसका TF जो है वो 10 आ रहा है। अब आई डोंट नो कि इसके क्या पीछे और कहानी हो सकती है, इसको देखते हैं तो फाइन पता लगेगा। एक और ये डोमेन अच्छा डोमेन है विच इज़ ये थोड़ा सा डच लैंग्वेज में है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज में है ये, और इसके भी 27 डोमेन्स हैं और 19 बैकलिंक्स हैं, इट्स अ गुड डोमेन एज कम्पेयर टू, मतलब हमने इस चीज़ से बचना है कि यहाँ पे एक डोमेन है और यहाँ पे 300 बैकलिंक्स हैं, यहाँ पे दो डोमेन है और यहाँ पे 600 बैकलिंक्स हैं, जैसे यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल 698 बैकलिंक्स हैं और ये हमें बता रहा है कि ये 15 डोमेन्स हैं जिनसे ये बैकलिंक आ रहा है, इसका मतलब है नहीं ये कोई इतनी अच्छी वैल्यू नहीं है जिसको हम जिसको देख के हम कह सकें कि नहीं ये कोई एक अच्छी साइट है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा आया समझ, आई नो यार, TF जो है वो ट्रस्ट फ्लो है जो एक मैट्रिक है मैजिस्टिक का, इनका अपना कैलकुलेटिव मैट्रिक है जो जो डिजाइन करता है कि जो ये डिटरमिन करता है कि ये डोमेन कितना वर्थी है, ठीक है, ये एक नंबर होता है, ट्रस्ट फ्लो एक मैट्रिक नंबर है ये, ठीक है। MDP या मैजिस्टिक डोमेन पॉप यानी कि ये बेसिकली ये बता रहा है कि आप को कितने डोमेन्स है जिससे बैकलिंक आ रहा है, ठीक है। नो आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट एक्सपोर्टिंग इट टू एक्सेल, आई डोंट नीड दैट, ठीक है। अच्छा अब हमने ये डोमेन जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब इससे आगे की गेम क्या है, इससे आगे की गेम है कि आपको ये चलो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि अच्छा ये डोमेन अवेलेबल भी है, इसके अंदर गोल्फ का वर्ड भी है, ये .com पे भी है, इसकी जो MDP है और जो बैक लिंक्स हैं वो भी थोड़े से एज कम्पेयर टू अदर डोमेन्स कुछ थोड़े बहुत बेहतर लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब इससे आगे हमने क्या चेक करना है, अब असल गेम जो है वो अब शुरू होती है कि आगे क्या चेक करना है, आपने इसकी पूरी इसका एनालिसिस करना पड़ेगा आपको कि इस डोमेन के ऊपर जो बैक लिंक्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इसके ऊपर जो कंटेंट था वो कहाँ से था, ये डोमेन इंडेक्स भी है गूगल में या नहीं, ये पैनलाइज तो नहीं हुआ हुआ, इसके ऊपर कोई कॉपीड कंटेंट तो नहीं था, इसकी रेलिवेंसी क्या है, क्या ये हमारे इस्तेमाल में आ भी सकता है नहीं, इसके एंकर टेक्स्ट की प्रोफाइल क्या है,
इसकी अथॉरिटी है भी या नहीं. अभी तो ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है ना जिसको हमने चेक किया है, जिसे हम TF, क्योंकि ये इन्होंने इसके अंदर बिल्ट इन किया हुआ, पहले ये भी नहीं करते थे लेकिन अभी इन्होंने बिल्ट इन कर दिया इसके अंदर, तो इससे हम TF जो है वो इसका चेक कर सकते हैं. बट वट आर दी अदर थिंग्स जिसकी बेस पे हमने एनालाइज करना है. मैं थोड़ा सा जल्दी अब जरा वाइंड अप करूँगा, मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ. आई एम श्योर कि जिन लोगों को यहाँ तक समझ आएगा उनको आगे भी समझ आ जाएगा. मैं सबसे पहले जाऊँगा मॉस पे, उसके बाद मैं साथ ही बोलूँगा मैजेस्टिक. ठीक है, मैजेस्टिक के अंदर मैं जाऊँगा, मैजेस्टिक के अंदर मैं ओपन साइड एक्सप्लोरर में जाऊँगा. यहाँ से मैं मोज में था, सॉरी अगर मेरे वर्ड्स मेरा मेरी जुबान का साथ ना दे रहे हो तो उसमें ये सिर्फ ये समझ लेना दैट आई एम हेल टायर्ड. अच्छा मैं यहाँ पे ये डोमेन पेस्ट करता हूँ एंड मैं इसको करता हूँ ओके. यहाँ से मैं उसमें डालता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओके एंड मैं इसको देखता हूँ. अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, ज़बरदस्त. मैट्रिक के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है. डी ए इसका डोमेन अथॉरिटी इसकी 10 है. ये डोमेन अथॉरिटी इट इज़ आप इसको ऐसे कह लें कि ये जिस तरह से TF होता है ये इससे कंपेयर एक एक मैट्रिक है, अच्छा मैट्रिक है. इसकी बेस पे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं चीज़ों का. स्पैम स्कोर इसका 3 है, नॉट दैट बैड. बहुत सारे डोमेन्स का 6 to 7 भी होता है जो मुझे मिलते हैं, ठीक है. लेकिन बहुत सारे लोग, मैं एक प्रो टिप आपको दे के जाऊँगा कि इसका क्या क्या हम इसका जो है वो कर सकते हैं. एक छोटी सी चीज़ आपने ये करनी है कि इसको डी रूट डोमेन के ऊपर कर दें ताकि इसको आपको बैकलिंक्स इसको सारे मिल जाएं. एक्चुअली हमें बता रहा है कि यहाँ से 2 बैकलिंक्स आ रहे हैं, बट आई डोंट वॉन्ट टू चेक द बैकलिंक्स फ्राम हेयर. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक द डोमेन अथॉरिटी एंड द पेज अथॉरिटी फ्राम हेयर ओके. अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता लग गई कि ये डोमेन जो है वो यहाँ से इसका TF जो है वो बल्कि यहाँ पर भी इसका TF आ जाएगा. ये देखें 10 और 6, 10 and 6, ये 6 and 10 और यहाँ पे भी क्या बता रहा है ये 6 and 10. ठीक है, इट मीन्स दैट ये मैट्रिक्स जो है ये सही है जो ये हमें एक्सपायर डोमेन्स वाला फ्रेमवर्क बता रहा है, अच्छे हैं. ठीक है, 10 DA का डोमेन है, 22 पेज अथॉरिटी का डोमेन है, दोनों मैट्रिक्स अच्छे हैं सही है. अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको 7 backlinks आ रहे हैं, 4 रेफरिंग डोमेन्स आ रहे हैं. रेशो बहुत अच्छी है, इट्स नॉट अ बैड रेशो फॉर दिस दिस 4-5 बैकलिंक से 4-5 डोमेन से इस तरह की रेशो आना, इट्स गुड साइन. अच्छा उसके बाद मैं आऊँगा इसके नीचे, यहाँ पे चेक करूँगा कि मुझे टेक्स्ट लिंक्स, 5 टेक्स्ट लिंक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे. सिर्फ 2 इमेज जो हैं वो 2 इमेज से आ रहे हैं, वेरी गुड रेशो. एंड फ्रॉम होम पेज कॉन्टैक्ट HTTP किया. अच्छा रेफरेंस डोमेन्स ब्रेक डाउन इसको भी छोड़ दें. मैंने जो असल चीज़ चेक करनी है वो ये करनी है. अब ये देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंकर टेक्स्ट. ये आपको बताएगा कि जो आपका डोमेन है वो कहीं स्पैम तो नहीं है, कहीं फजूल तो नहीं है. अब मेरी जहाँ तक जो मेरी नॉलेज है वो मुझे यहाँ पे इसके एंकर टेक्स्ट को देख के कोई इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा ये डोमेन. ये इसकी डोमेन का जो नाम है, इसका जो नाम है डोमेन का सिंपल डिस्क गोल्फ. ओवरऑल अगर मैं इसको देखूँ तो इट्स नॉट दैट बैड. मुझे एक अच्छी रेशो इसने दिखा दी है कि इसकी लिंक प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल क्लीन है. तो मेरे रिसर्च करते करते कोई इसको खरीद ना ले, ये ख्याल रखना. यार रेफरिंग डोमेन्स वगैरह की जो है ना वो रेशो तकरीबन मतलब एक जिसे समझ आने वाली दैट मेक सेंस. ठीक है, इतना गुमनाम क्यों है भाई यहाँ, पता नहीं भाई मुझे क्यों गुमनाम है. बहरहाल मेरा ख्याल लोग सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं. वॉइस इशू आ रहा है किसी को? अच्छा आया है तो चलो सॉल्व हो गया होगा. मैंने ऐसे ही बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे है मसला. यार देखिए मैं ये जो ये भी अच्छा सवाल किया, ये डोमेन इशू जो है ना मैंने यहाँ से समझाया था. ये देखें जब BL को देखेंगे ना आप, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो बैकलिंक्स हैं वो 698 शो कर रहा है, ये बैकलिंक्स का है
मेट्रिक, ठीक है। और ये एमडीपी जो है ये रेफरिंग डोमेन्स का है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बता रहा है बेसिकली कि इसको 7698 बैकलिंक्स आ रहे हैं लेकिन 15 डोमेन से आ रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि 15 डोमेन से 700 बैकलिंक्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो फिशी है ना, कोई स्पैमिंग की हुई है, कोई नेगेटिव एसईओ की हुई है, कुछ भी किया हुआ है इस तरह का, कि ये रेशो सही नहीं है। हाँ, मैं इस रेशो के ऊपर जाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसे 44 और ये 16 की रेशो आ रही है कि 16 डोमेन से 44 बैकलिंक्स आ रहे हैं, फेवरेबल, अच्छी नहीं कहूंगा लेकिन चलो ये है कि सही है। इस तरह से ये बहुत अच्छी रेशो है, 16 बैकलिंक्स आ रहे हैं 11 डोमेन से, बहुत अच्छी रेशो है मेरी नज़र में, ठीक है। इस तरह से मैं कहूंगा ये चार डोमेन से 6 बैकलिंक्स आ रहे हैं, ये अच्छी रेशो है। मतलब एक समझ आने वाली कि एक डोमेन से एक या दो लिंक्स आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, दो या तीन लिंक्स आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, एक लिंक आ रहा है, ठीक है। आइडियल है कि एक या दो लिंक आए एक एक डोमेन से, ठीक है। ये समझ आ गया? चाइनीज बैकलिंक्स, ये अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसके चाइनीज बैकलिंक्स ही होंगे, आई एम श्योर। मैं इसको चलो आपको खोल के ना दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, इस डोमेन को बाद में अपने डोमेन की तरफ वापस आऊंगा। इसको मैं खोल के थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये डोमेन मुझे क्यों सही नहीं लग रहा, और मुझे लग रहा है कि मेरा आइडिया सही होगा कि ये डोमेन सही नहीं है, कि इसको हम फाइनलाइज नहीं करेंगे, आई एम प्रिटी श्योर। यहाँ पे भी अगर इसको डाल के दिखाऊँ एक और इंडिकेशन जो है वो मिलेगी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। चलें दिखा रहे हैं, अच्छा इस रूट डोमेन, इसकी कोई अथॉरिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी टू से। और 13-9, अच्छा ठीक है। अब ये देखें ना, ये 792 बैकलिंक्स कह रहा है और ये 15 डोमेन से कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि 15 डोमेन हैं जिनसे आपको 800 लिंक्स बने हुए हैं, 600-700 लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यार एक कॉमन सेंस की बात है ना, एक डोमेन से एक या दो लिंक आने चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो 30 या 35 40 लिंक्स होने चाहिए से ज्यादा 50 लिंक्स होने चाहिए से ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, या तो अब्यूज किया हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं एक मिनट आपको यहाँ से दिखाता हूँ इमेजेस, ये देखें इमेजेस से जो है वो 788 लिंक्स आ रहे हैं, टेक्स्ट लिंक जो है वो सिर्फ 319 है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको आके दिखाऊँ, हाँ ये देखें, इन्होंने ब्रांड को अब्यूज किया हुआ है बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है इतना ज्यादा भी नहीं किया हुआ। टोटल रेफरिंग डोमेन्स 10 से आ रहा है, ये एक से, ये देखें ये एक ही से आ रहा है लेकिन ये 452 बैकलिंक्स बता रहा है कि एक डोमेन से इसको 452 बैकलिंक्स आ रहे हैं, एक डोमेन से इसको 314 बैकलिंक्स आ रहे हैं, एक डोमेन से इसको फिर 314 बैकलिंक्स आ रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि मेरे लिए शायद ये डोमेन भी सही होगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको कैसे काबू करना है या मैंने इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं ये सजेशन दूंगा कि आप इस तरह के डोमेन को ना कंसीडर करें, ना इसमें जाएं, ठीक है। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि इनकी लैंग्वेज क्या है अभी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ किस तरह से आपने बैकलिंक्स को डोमेन्स को फिल्टर करना है, देन आपने उनको उनके मैट्रिक्स चेक करने हैं, उनके एंकर टैग्स चेक करने हैं। यहाँ पे जब चाइनीज आ रहे होंगे एंकर टैग्स, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये थोड़ा सा स्पैमी इसके बैकलिंक्स हैं, इसके ऊपर स्पैम हुआ हुआ या नेगेटिव अटैक हुआ हुआ, नेगेटिव एसईओ हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे डोमेन्स को जिनके चाइनीज एंकर टेक्स्ट हों या एक एक डोमेन से 500-500 लिंक आ रहे हों जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, इनको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ऐसे डोमेन्स को अवॉइड। मेरी बात का जो मकसद था वो समझ आ गया होगा होपफुली ये एग्जाम्पल से। मैं इस डोमेन की तरफ ज़रा वापस आता हूँ, I think I am gonna buy this domain. It's a good domain. इसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, which is very weird to me कि सिर्फ चार डोमेन से इसको इतनी अच्छी जो है वो अथॉरिटी आ रही है। अभी मुझे इसको देखना यह है कि इसके और मजीद में क्या सिस्टम जो है वो कर सकूँगा, क्या इसके अंदर से मजीद मैं निकाल सकूँगा। सो तो नहीं गए सब, सही है, गुड, नहीं सोए तो अच्छा, ठीक है। मेरा नेट बहुत स्लो हो रहा है यार, कम ऑन,
डैम एक्टिव का मतलब होता है कि आपको कोई चीज समझ आ रही है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, यू आर नॉट डैम एक्टिव, एम आई राइट? हाँ हाँ वो भी चेक करना है भाई, अभी एक मिनट के अंदर मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकता, स्टेप बाय स्टेप ही। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा इस बैकलिंक की तरफ। एक और चीज़ मैं करता हूँ कि मैं ना जरा इसके बैकलिंक्स को जाके विजिट करता हूँ, मैं बैकलिंक्स के टैब पे जाऊँगा और मैं देखूँगा कि ये बैकलिंक्स मुझे यहाँ से आ रही हैं, मैं इन साइट्स के ऊपर जाके देखता हूँ कि मुझे बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं। ये देखें ये साइट है जहाँ से मुझे बैकलिंक आ रहा है, यहाँ से देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये बैकलिंक स्पैमी है ना। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है इट इज नॉट स्पैमी इन माय व्यू, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं कि शायद ये स्पैम है, बट नहीं यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है विच इज़ नॉट दैट बैड, इतना बुरा नहीं है। देखना यह है कि ये साइट आगे से ये साइट कितनी डेंजरस हो सकती है। अच्छा ये भी ये फॉरम है जहाँ से आ रहा है, आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ स्पैम, इट्स अ गुड साइन। अच्छा ये भी है वेरी गुड, सही है। सिंगल आपको इस पेज से आ रहा है, ये बड़ी अच्छी एक साइन है कि आप सिर्फ आपको इस पेज से लिंक आ रहा है, ठीक है। एम टू बी ऑनेस्ट मुझे देख के नहीं पता लगा कि ये कोई गलत प्रैक्टिस में हो रही है, कोई गलत प्रैक्टिस या कोई गलत चीज हो रही है, ठीक है। इसके एंकर टेक्स्ट भी सही है, इसके बैक लिंक्स भी सही है। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि इसकी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। मेरा पर्पज तो यह है कि एक अच्छा डोमेन जिसके अंदर गोल्फ का बैक लिंक है उसको फाइंड किया मैंने, एंड मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं इसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। इसी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसी लैंग्वेज में इसका कंटेंट वगैरह लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये छोटी सी मेरी एक थी। मैं एक और चीज़ भी, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसकी वैलिडिटी की, ये क्या ये उसमें सर्च इंजन में बैन तो नहीं है, एंड इट इज़ नॉट बैन, इट इज़ नॉट बैन, वेरी गुड। आप साइट कॉलन के साथ इसको चेक करेंगे, इसके सारे पेजेस दिखा देगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना डोमेन है, छोड़ा हुआ है इसको, और सबसे बड़ी बात है ये देखें ये वर्डप्रेस पे था, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इसके कितने पेजेस सर्च इंजन के अंदर आ रहे हैं, सर्च इंजन के अंदर इसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहे, कोई पेज नहीं शो होता, इसका मतलब है ये साइट गूगल से बैन हो सकती है, प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। अगर इस तरह से आपको वेरीफाई होता है तो ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक और चीज़ है, मैं जल्दी जल्दी अभी कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वेबिनार के अंदर डिटेल में थोड़ा सा करूँगा जब मैं किसी और चीज़ को किसी और उस पर जो है वो करूँगा टॉपिक पे। तीसरी दूसरी चीज़ में क्या करनी है, आपने वेब बैक मशीन के ऊपर जाना है, वेब बैक मशीन के ऊपर जाके आपने वेब बैक मशीन का, जिन लोगों को नहीं पता, ये एक कॉन्टेंट जो है वो क्रॉलिंग सिस्टम है जो आपके डोमेन के जो है वो स्क्रीन शॉट्स लेता रहता है टाइम बाई टाइम, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रहता है। मैं इसके ऊपर ब्राउज हिस्ट्री करूँगा इस डोमेन को डाल के, और मैं देखूंगा कि इस डोमेन के ऊपर किस तरह का कंटेंट था। वैसे मैं इस डोमेन को इधर से भी चेक करूँ तो ये डोमेन कहाँ पे जा रहा है। लेट्स सी, ठीक है। मतलब ये मैं वो सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिसके थ्रू आपने इस चीज़ को टैकल आउट करना है या फाइंड करना है या डिसाइड करना है कि हाँ ये डोमेन एक काबिल है भी या नहीं, कि मैं इसको परचेज करूँ या नहीं। अगर कोई स्पैमी चीज़ नज़र आती है, कोई फिशी चीज़ नज़र आती है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा या नहीं। अब ये देखें, ये बता रहा है कि 2016-17 तक ये एक्टिव था। अगर मैं 2016 के अंदर जाके ज़रा इसको देखूँ, यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट किया हुआ है, यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, एंड दो जगह पे इसने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। 17 के अंदर भी देखूँ कि 17 के अंदर ये शायद कैसे थी, बट आई डोंट वांट टू सी इन 17 राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू चेक इट राइट हियर। While my net is slow, how are you doing all? I will not give you any. Why did you mention that? Why last week you mentioned about you putting me in jail?
दिल्ली में ना तो फिर क्या करेंगे। अच्छा ये देखें, ये साइट थी जो जब ये लाइव थी तो ये साइट इस तरह से थी, एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग सस्पिशियस इन दिस साइट। गुड साइट थी, मुझे नहीं पता है किस पर्पस पे थी, बट आई जब मैं करूँगा प्रॉपरली तो मैं इसको देखूंगा कि किस पर्पस पे थी और मैं इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रही है लैंग्वेज कौन सी है जिसके ऊपर सारी, या तो ये जर्मन लग रही है मुझे, जर्मन ही इतनी मुश्किल होती है, बाकी सारी शायद समझ आ जाती हैं, एक जर्मन और एक रशियन। खैर देखा जाएगा इसकी डिटेल में जब जाएंगे, बट अगेन जो ओवरव्यू लेना था वो सही था कि ये डोमेन इस तरह का था जब, अभी ये डोमेन इस तरह का है, यानी कि इसको कांट रीच इट, बट वेब मशीन से इसके कुछ स्क्रीन शॉट्स मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, एंड देखना ये है कि इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनीवेज ये सारी प्रैक्टिस थी, लास्ट में मेरा ख्याल है कि नेम चीज से जाके चेक कर लेते हैं कि क्या इसका हिसाब किताब है, ये डोमेन अवेलेबल है नहीं है। अगेन कोई पता नहीं है, लास्ट में जाके आपको एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, सबसे लास्ट स्टेप में जब जाके आप इसको चेक करें कि क्या ये डोमेन अवेलेबल है, आपने सारी रिसर्च कर ली रात में, लास्ट में जाके आपको ये सारी चले दिखा दें। वाह जबरदस्त, ओनली देखें वो साइट जो आपने $10 की लेके बनानी थी, उसी $10 के अंदर आपको ये डोमेन मिल रहा है जिसकी इतनी अच्छी मैट्रिक्स है और जिसके इतनी अच्छी अथॉरिटी है। इट्स अ गुड थिंग इन माई व्यू, इतनी स्ट्रगल के अंदर आपको अगर ऐसा कोई कीवर्ड मिलता है, ऐसा कोई डोमेन मिल जाता है, वो भी सिर्फ $11 के अंदर, $10 के अंदर, इट्स अ गुड साइन। सही, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आप इस तरह का कोई ऐसा डोमेन ढूंढ लेते हैं जिसको ऊपर आपने प्लान कर रहे हैं साइट बनाने का और आपने नया डोमेन लेना है, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस करते हुए आपको ऐसा डोमेन मिल जाता है जिसकी अथॉरिटी भी है, जिसके बैकलिंक्स भी बने हुए हैं, जिसने अपना टाइम भी सारा पास किया है, व्हाटएवर द रीजन इसके, हम उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम उसको जो है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको किसी बल्कि में उसको बाय भी कर लें, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये थोड़ी सी वो प्रैक्टिस है जिसको गोल्फ रिलेटेड नहीं था ये, यार ना हो, मेरा वर्ड है गोल्फ, इसके अंदर रिलेटेड बनाना मेरा काम है, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था आपको कि दिस इज बहुत सारे पर्पस में इस्तेमाल होता है ये। मैं इसको 301 के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी, ठीक है। बट अगेन सारी प्रैक्टिस का मतलब क्या था कि दिस इज हाउ यू फाइंड अ गुड डोमेन, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, वो मैट्रिक्स कौन से हैं, वो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अभी मैं इसमें डिटेल में इस वजह से नहीं गया कि मुझे थोड़ी सी जल्दी भी है एंड आई टू वाइंड इट अप, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम है मैं कुछ प्रो टूल्स को भी इस्तेमाल करूंगा, कुछ प्रीमियम टूल्स को इस्तेमाल करूंगा, उससे काम और ज़्यादा आसान हो जाता है, उससे काम और ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इसको सीरियसली जो है वो लें, सीरियसली इस बिजनेस को लेके चलें और इसको थोड़ा सा प्रॉपरली इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, या थोड़ा सा इसको दूसरे एक्सपायर्ड डोमेन से साइट कैसे बनाए, इस क्वेश्चन को जरूर दीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट वरी, मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर करूंगा, बट मेरा आज का जो पर्पस था आई थिंक वो पूरा हो गया कि मैं सारी प्रैक्टिस से एक दफा गुजारना चाह रहा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं, जो मैंने अभी इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं लगाए, जिन मैट्रिक्स को मैंने इसके अंदर शेयर नहीं किया, कुछ और चीजें हैं, कुछ और डेप्थ हैं जिनको मैंने इसके अंदर शेयर नहीं किया, मैं आने वाली एपिसोड्स के अंदर शेयर करूंगा। एंड मेरी एक और कोशिश ये होगी कि आपको थोड़ा सा ये भी ओवरव्यू दूं कि ऐसे डोमेन को कैसे काम में लाया जाए जो प्योरली स्पैम है, जिसको चाइनीज बैकलिंक से भरा हुआ है, जिसको जिसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ठीक है, बट उसको हम किस तरह से इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, उसको किस तरह से अपने PBN में शामिल कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, द पावर ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है। You will love it when you do it seriously. अगर for example इस domain की जगह आप थोड़ा सा ये imagine कर लें कि आपको यहाँ पर कोई ऐसा domain मिला है
जो फॉर एग्जांपल आपके निच से रिलेटेड है, जिसके ऊपर आप साइट बनाना चाहते हैं, आपने एक निच फाइंड किया है, उस निच के अंदर गार्डनिंग का वर्ड, होम डिकोर का वर्ड है, हेडफोन का वर्ड्स है, व्हाटएवर योर निच इज, सही है, और आपको उस तरह का डोमेन मिल जाता है और वो भी सिर्फ $11 में, जिसकी ऑलरेडी अथॉरिटी बनी हुई है, जिसके बैकलिंक्स बने हुए हैं, जिसकी जिसकी जो वर्थ है वो सर्च इंजन के अंदर थोड़ी बहुत शो हो रही है, उसके मैट्रिक्स अच्छे हैं, एंड इट इज़ नॉट स्पैम, और यू ऑलरेडी गॉट अ डोमेन फॉर $10, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि मैं चाइनीज जहाँ पे भी आया ना, मैं चाइनीज से कभी बात भी ना करूँ, डोमेन लेना तो बहुत दूर की बात है, सही है। मेरे ख्याल मेरी बात का जवाब आपको मिल गया होगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर मल्टी निच साइट बनानी हो, अब तो मल्टी निच साइट बनानी हो, मल्टी निच जो कीवर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल होम डिकोर है, होम डिकोर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फोन्स है, फोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें एप्लीकेशन भी आ जाती है, उसमें रिपेयरिंग भी आ जाती है, उसमें बहुत, ठीक है, मतलब मल्टी निच हो या स्मॉल निच हो या माइक्रो निच हो, इट डजंट मैटर, ऑल मैटर इज कि आपकी रिसर्च या आपके मैट्रिक्स कितने अच्छे हैं, आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, ठीक है, उसकी बेस पे आप अच्छे से अच्छा डोमेन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये डोमेन अच्छा है, इस डोमेन को लिया जाएगा, इस डोमेन को किसी ना किसी पर्पस में इस्तेमाल किया जाएगा, एंड एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चले ग्रुप के अंदर इसका रिव्यू दीजिएगा, मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, ठीक है, सी यू गाइस सून, मुझे रिव्यू का इंतजार रहेगा कि कैसा लगा, सही था भी या नहीं, मजा आया या नहीं, लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़ सबको।